हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से एकदम फिट। जैसा कि जानते हैं कि बारिशों का सिलसिला फिर से हमारे जो है पाकिस्तान में पता नहीं, लेकिन हमारे बैरूनी में आ गया। कल से जो है लगातार बारिशें हो रही है। नज़ारा आप देख सकते हैं, बहुत ही गलियाँ का खूबसूरत माहौल बना पड़ा है। वो कौन गैस करें, आप अपनी जुबान में क्या बोलते हैं उसे। और जी आज हम करने वाले हैं रिव्यू ऑफ गलियों का। ठीक है, अभी काम चार में याद आ गया कि भाई आपको ना साथ साथ गलियों का नज़ारा भी करते जाए। जब बारिश होती है तो हम सर यहाँ पर किस तरह सर्वाइव करते हैं। लेट्स गो। अगर आप नए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर लाजमी कर देना। तो आइए चलते हैं, आप भी हमारी गलियों को नज़ारा लें और देखें कि क्या क्या यहाँ पर होता है। तो लेट्स गो। सबसे पहले तो ये बड़ा तालाब मिल जाएगा आपको यहाँ पर। थोड़ी सी दिनों में ना ये छोटी से जाते 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 ये इस तरह से ऊँचे नीचे पहाड़ आते हैं छोटे छोटे, और यहाँ पर बाइक स्लिप हो जाता है कभी कभी। यहाँ पर ये बाइक के टायर है, जब स्लिप होता है तो बंदा कहना ताड़ी भैन उतार दी, ठीक हो गया। और उसके अलावा आगे कल था चुना छुट्टी थी जिम से, जिम भी नहीं गए। आज जो है जाना है, मौसम बड़ा बहुत मज़े का है, ऐसा लगा दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। तो ये भाई साहब की दीवार टूट गई, कंस्ट्रक्शन शुरू की हुई थी इन्होंने, रास्ते में ही बारिश पड़ गई और सबसे पानी आ गया और सारा निज़ाम जो ऊपर नीचे हो गया। ये परिंदे बड़े एंजॉय कर रहे हैं। और सामने ये हमारा आ जाता है कूड़ा करकट फेंकने की जगह, जो कि इलीगल है, आवाम ने खुद ही बनाई हुई है। यहाँ से थोड़ा सा आगे जो है रास्ता साफ है, थोड़ा सा आगे गुजरने के बाद जो है फिर रास्ता हमारा शुरू हो जाता है। ये भाई तारीख में पहली कॉलोनी है मेरे हिसाब से, का कॉलोनी जिसकी गलियाँ पिछले 100 साल से ऐसे ही हैं और 100 साल तक आइंदा भी ऐसे ही रहेंगे। हम यहाँ पर इस तरह से फंस गए कि जब हम आए तब बारिश नहीं हुई थी, ठीक है। यहाँ पर हम इसलिए फंस गए कि घर ले लिया, मकान ले लिया और बड़ा अच्छा खासा उसके ऊपर खर्चा कर लिया। ये भाई साहब थोड़े से अक्लमंद हैं और अपना जो है सामना फ्रंट जो है सफाई करते हैं रखते हैं। वो बच्चे लड़ रहे हैं आपस में, पता नहीं उन्होंने क्या मिल गया कि सोने की चीज़ दे गई। ठीक हो गया, ये मेहमान आए हुए हैं इनके घर, पता नहीं कौन है। जिंदगी तो बच्चों की है यार, हम दोनों बस मुसीबत में फंसे हैं। ये गाइस हमारा मेन चौक है, देख सकते हैं कन्याकुमारी से है। अब हम जा रहे हैं अपने कजन के घर, उससे जाके इंटरव्यू करते हैं और पंजाबी में उसे उर्दू नहीं आती। कैसे सो रहे हैं भाई, मजे के ना किसी का कुछ लेना है ना देना, सही नहीं है जिंदगी। हो तो बहन जो जैसी खाया पिया सो गए मेरी तरह, फिर बोलेंगे ये कुत्तों वाली जिंदगी है, खाया पिया सो गए। सबसे बड़ा बिजनेस, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस। भाई इतनी कीचड़ में अपना मेहनत मजदूरी करते हुए, और सामने ये हमारा मेजर चौक आ जाता है जो कि दरिया सिंध के नाम से मशहूर है। यहाँ पर अगर बारिश ना भी हो तब भी पानी रहता है, लेकिन अब तो फिर भी खैर बारिश हो गई। ये छोटा सा तालाब आ गया वो सबसे मुश्किल जगह गुजरने की। बिस्मिल्लाह, बच गए बच्चे इंजॉय करते हुए सामने। इतों पैर तिलके तो बन सीधा ही कहना ताड़ी भैन इसकी। पानी निकलने की जगह कहीं से भी नहीं है गुजरने की। और बच्चों वो देखो क्या बगैर दिशा रास्ता जो है वो पानी, यहाँ पे सूखा था वहां पर भी जो गीला करती। सही है, शाबाश, खड़ा हो उठ के आया मजा है, मजा आया।
पता लगा हूं पानी कितना बाहर मारना। आखिरी स्टेज पार कर लिया हमने, लेकिन अभी आखिरी है। वो मुश्किल था जो पहला करके है। पशु ये इंटरेस्ट है हमारे जी। सुभान नीचे जो है वो कीचड़ कर दिया हुआ है। अभी ये मैं कर रहे हैं।